वेलकम टू मैथमेटिक्स प्रोफेशनल चैनल। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब तंदुरुस्त होंगे और मेरी तरह बहुत खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आइसक्रीम खाई थी ना, देखा था आइसक्रीम के स्कूप का परसेंटेज कैलकुलेट करना। जी हाँ, आज हम वही करेंगे। किसी भी चीज को, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है परसेंटेज प्रतिशत, ये आज उसका सब टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। साडा टॉपिक की है प्रतिशत विच बदलो। जिस तरह आप आइसक्रीम की गल की सी, आइसक्रीम दा आहा उपर एक स्कूप हुंदा है, ठीक है जी। आ हिस्सा एक है ते आ दूजा हिस्सा, ते फ्रैक्शन किन्नी बन गई, एक बटे दो। ते मैं आ जिहड़ा स्कूप वाला हिस्सा खा लिया सी, तां इस दा मतलब फ्रैक्शन नूं इस परसेंटेज बदलना है कि आपां इह देखने कि किन्ने परसेंट हिस्सा मैं खा लिया। तो उस लई आपां इक फ्रैक्शन नूं परसेंटेज बदलना सीखना है। तो उही साडा मेन टॉपिक है कि आ देखो एक फ्रैक्शन दित्तियां होई है, आपां इहनूं परसेंटेज विच प्रतिशत विच किवें बदलांगे। कल आपां जिहड़ी वीडियो कीती सी उहदे च आपां उल्ट कीता सी। उहदे च आपां नूं जिवें परसेंट दित्ती हुंदी सी, आपां इहनूं फ्रैक्शन च बदलदे सी, भिन्न विच बदलदे सी, या ऐं कह सकदे आ पी बटे क्यू फॉर्म च बदलदे सी। परसेंट दा आपां की ला दिंदे सी 100, उस तों बाद टेबल ते कट करदे सी। जिन्हें वीडियो नहीं देखी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स च उहदा लिंक दे दूंगी, गो एंड चैक आउट। उहदे विच आपां परसेंटेज दा मतलब भी सिखिया सी। हुण अज दी वीडियो च आपां देखदे हां कि आपां इह किसे भी फ्रैक्शन नूं परसेंटेज विच किवें बदलना। बहुत ही सौखा तरीका है। की है? 100% नाल गुणा करना। देखो किवें, आ रकम है 9/20, इहनूं 100% नाल गुणा करना, ठीक है। इह परसेंट दा मतलब की हुंदा है? बटे 100। हुण देखो आपां 100 ते 20 नूं टेबल ते कट करांगे। क्यों? क्योंकि कट करन दा इक्को ही तरीका हुंदा है, एक रकम उपरों लैनी हुंदी है, एक रकम नीचों, ठीक है। हुण आपां दिमाग विच सोचिए, आ 0 0 नाल कट्टी गई, 2 दे टेबल ते 10 कट्टिया जांदा है। मैं चैक कर लिया, हुण कट्टन लगी हां। एक डिफरेंट पेन नाल कटदी हां ताकि तुहानू क्लीयर हो जाए। 2 दे टेबल ते 2 इक नंबर ते, 10 किन्ने नंबर ते? 5 ते। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਲਿਖੋ ਨਾ ਲਿਖੋ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ 9 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, 9 5 45, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 45%। ਮਤਲਬ 9/20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? 45%, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 18/100 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 100% ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। 18/100 × 100%। आ 100 ते आ 100 तां कट्टे गए, सेम सेम रकम है, ते 100 दे टेबल ते दोवें कटते, किन्ना बचिया? नीचे ते इक आ गया, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पैंदा। 18 × 1 = 18, तां 18 ते आ परसेंट आ गया, ठीक है। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 100% ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ 18/100 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ 18% ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ परसेंट का मतलब 100 विचों मेजर करना होंगे, तो उन्होंने 100 विचों ही सीधा रकम दी हुई 18, इस करके सीधा 18% भी कह सकते हैं, ठीक है। इस करके मैं कह रही हूँ पिछली वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो होर क्वेश्चन कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है 1/2, इनू परसेंटेज बदलना है तो की करना है? 100% नाल गुना, 100% नाल गुना, ता 1/2 × 100%। लो जी, हुण 100 नूं 2 दे पाड़े ते कट्टिए, 2 2 दे पाड़े ते 2 किन्ने नंबर ते? 1 ते। 100 किन्ने ते?
दो पांजा दस नाल की आ गया जीरो। तो आंसर किन्ना आ गया, पंजा नू एक नाल गुना किता, पंजा एकम पंजा नाल परसेंट आ गया, 1/2 दा परसेंट किन्ना बनता है 50%। वैसे भी आपां देखिए अद्ध सौ हमेशा परसेंट आपां सौ चो ही देखते हैं, तो सौ दा अद्ध किन्ना हुंदा है 50%। ये वैसे ही आपां कैलकुलेट ओरली कर सकते हैं। हुण आ वै 3/4, जे आपां ओरली कैलकुलेट करना होवे तो वह भी कर सकते। देखो आपां थले चार है, पहला सौ नू चार नाल डिवाइड कर लो, किन्ना आ गया 25, 25 दिया 75, इसका मतलब 75% इनका आंसर आएगा। मैं एक बार दिमाग में एस्टिमेट ला लिया कि इन्ना आंसर आएगा, हम देख रहे हैं कि मेरा वो आंसर सही है। तो 3/4 नू मैं पहला 100% नाल कर लिया मल्टीप्लाई। क्यों ये मैं ओरली किया, देखो आप इतने 3/4 का मतलब आप 100 का देखना कि किनवा हिस्सा 3/4 बनता है, ठीक है, उ परसेंटेज होंगी है। तो हुण चार दे पहाड़े ते 100 कटिया, मैनू प्रैक्टिस है तो मैं चार दे पहाड़े ते सीधा कट सकती हाँ। जे तुहानू नहीं प्रैक्टिस तो पहला छोटे टेबल दो तो शुरू कर लो, जिमें दो दे टेबल ते चार, दो नंबर ते 100 किन्ने नंबर ते 50 ते। हुण फिर दो दे टेबल ते जांदा, दो एकम दो, दो दे पहाड़े ते 50 किन्ने ते 25 ते। हुण 25 नू 3 नाल गुणा किता, किन्ना आ गया 75, आंसर आ गया 75%। ठीक है जी, किन्ना आ गया आंसर 75%। ए सी साडा अज दा टॉपिक, अज दा आइसक्रीम स्कूप दा पता करन दा तरीका कि किवें आपां किसे भी खान वाली चीज दा परसेंटेज लभ सकदे हां। हुण तां तुहानूं कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी, चाहे आपां पिज़्ज़ा खाइए चाहे आपां कुछ खाइए, हुण तुसीं दिमाग च नाल दी नाल इंजॉय भी कर सकते हो ते मैथ भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। एक्चुअल जो मैथ हर चीज च हैगा ते मैथ नू भी आपां इंजॉय कर सकते हैं, बस की जरूरत है नजरिया बदलन दी, ठीक है। अपना नजरिया बदलोगे तो तुसी देखोगे मैथ भी बहुत खूबसूरत ते इंजॉय करांदा है, ठीक है। तो चलो साडा अज दा जिहड़ा टॉपिक सी, मैनू पूरा विश्वास है तुहानू समझ आ गया होगा। जे आपां समराइज करिए अखीर विच तां की है, किसी भी फ्रैक्शन नू परसेंटेज बदलन दा तरीका की है, 100% नाल की करना है गुना। वेरी गुड। हले भी कोई डाउट या क्वेरी रह गई है तो सानू कमेंट्स से जरूर दसो। तो मैं अगे भी कहनी है जे तुहाडा कोई टॉपिक की डिमांड है जिहड़ी तुसी साडे तों समझना चाहते हो, वह भी तुसी सानू जरूर लिख सकते हो। हुण आइसक्रीम खाधी है तो सबसक्राइब करना तो बनता ही है, लाइक एंड शेयर करना भी बनता है, तो इसनू ना भुलो, प्लीज एक सबसक्राइब जरूर करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।